नमस्कार, चंदास प्लेटर में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे घर पे खोवा कैसे बनाया जाए। बाज़ार में मावा तैयार मिलता है, लेकिन बाज़ार का मावा शुद्ध नहीं होता है। कुछ जगह मावा मिलता ही नहीं है। अगर हमें शुद्ध मावा खाना है तो हम शुद्ध मावा आसानी से घर पे बना सकते हैं। सबसे पहले हम एक मोटी कढ़ाई लेंगे। मोटी कढ़ाई इसलिए क्योंकि उसका तल मोटा होता है, जिस वजह से दूध जलता नहीं है। कढ़ाई अच्छे से साफ कर ले ताकि दूध फट न जाए। अब हम कढ़ाई में दूध उबालने को रख देंगे। इसे एक उबाल आने देंगे। हमने 1.25 लीटर दूध लिया है, इससे हमारा 150 ग्राम मावा बन जाता है। उबाल आ गया है। दूध अच्छी तरह से गाढ़ा होने तक हम इसे चम्मच से चलाते रहेंगे। इसे हम 2-2 मिनट के बाद नीचे तक चमचे से चलाते रहेंगे, इससे दूध तले पे लगेगा नहीं। मावा बनाते समय हमें उबलते हुए दूध के पास ही रहना है ताकि दूध जल न जाए। आप देख रहे हैं दूध हमारा गाढ़ा हो रहा है, इसे हम और गाढ़ा कर देंगे। जब तक दूध अच्छे से गाढ़ा न हो जाता तब तक हमें पकाना है। किनारों से जो दूध लगता है उसे चमचे से निकालते हैं। गाढ़ा हो रहा है, ये बिल्कुल मावा बनने के स्टेज पर है। थोड़ा और चलाते हुए कंटिन्यू गाढ़ा करना है, तब ये मावा बनके तैयार हो जाएगा। इस समय हमारा सारा ध्यान खुरचते हुए चमचे के ऊपर होना चाहिए। जरा सा भी हम उसे छोड़ेंगे तो वो तले पे लग जाएगा। ये मावा बनके तैयार हो गया है। गैस हमने बंद कर दी है। अब ठंडा होने के बाद एकदम गाढ़ा बन जाएगा। इतना मावा बनाने के लिए हमें 35 मिनट लग गए हैं। घर का शुद्ध मावा तैयार है। आप इस मावे से अपनी मनपसंद मिठाई, लड्डू, बर्फी, पेड़े, हलवा बना सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।